नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, नवरात्र से शुरू हुए त्योहारों के इस मौसम में एक के बाद एक त्योहार लगे ही रह रहे हैं। अब दीपावली आने वाली है और दीपावली से दो दिन पहले कार्तिक मास की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन नई वस्तु, विशेषकर गहने बर्तन खरीदने का विशेष महत्व होता है। ऑलरेडी एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना दी है, ठीक है। लेकिन इसके साथ मान्यता ये भी है कि ऐसा करने से, यानी कि नए वस्त्र, नए गहने, नए बर्तन खरीदने से हमारे घर में सुख और समृद्धि होती है। लेकिन धनतेरस पर खरीदारी के साथ साथ दान करने का भी एक विशेष महत्व है। तो धनतेरस पर किया गया दान आपको कई गुना होकर वापस मिलता है, ठीक है। तो आपको कभी भी पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता अगर आप धनतेरस के दिन दान करते हैं। तो इन पांच चीजों को आप दान कीजिए धनतेरस के दिन, तो देखिएगा शुभता इसकी दोगुनी बढ़ गई है, ठीक है। ज्यादा देर ना करते हुए हम पहले टॉपिक पर जरूर जाएंगे, लेकिन हमेशा की तरह अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, वो सबसे पहली चीज है जो हमें धनतेरस के दिन दान करनी चाहिए, वो है पीली वस्तुओं का दान, ठीक है। धनतेरस के दिन आप किसी गरीब को, यानी किसी गरीब व्यक्ति को नए पीले वस्त्र का दान जरूर कीजिए अगर हो सके तो। धनतेरस के दिन वस्त्र दान महादान माना जाता है। ऐसा करने से आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति भी होती है। तो उस दिन बिल्कुल भी ना भूले पीले वस्त्रों का दान। अगर वस्त्र नहीं दान कर पा रहे हैं तो पीले मिठाई कम से कम किसी गरीब जरूरतमंद को जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगला आता है कि अन्न दान से प्रसन्न होती है माँ लक्ष्मी, ठीक है। ये दूसरा है, ध्यान से सुनिए। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको कम से कम किसी एक गरीब को घर बुलाकर आदर और सम्मान देकर भोजन करवाना चाहिए। भोजन में चावल की खीर, पूड़ी विशेष रूप से होनी चाहिए। भोजन करवाने के बाद दक्षिणा भी अवश्य दीजिए। तो ये था वो अगला और बहुत ही पावरफुल चीज है। इस दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है, ठीक है। अब आती है नंबर तीन की मीठे दे किसी जरूरतमंद को। जैसा मैंने कहा कि मीठे का दान उस दिन जरूर कीजिए, ठीक है। वो क्या है कि धनतेरस के दिन आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नारियल और मिठाई का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके भंडार भी साल भर भरे रहेंगे, ठीक है, और आपको कभी भी तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये था वो अगला जो आप लोगों को करना है, ये दान आप लोगों को जरूर करना है। चौथा आता है लोहे की वस्तुओं का दान, ठीक है। तो लोहे की वस्तुओं का दान यहाँ पर इसलिए है क्योंकि धनतेरस के दिन आप एक और सोने चांदी का सामान तो खरीद सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी ओर इसी दिन आप अगर लोहे की धातु को किसी लोहे की बनी कोई भी वस्तु अगर है तो उसको भी आप दान अगर करते हैं ना, तो ये बहुत जरूरी बताया गया है कि जैसा कि आप सोना चांदी खरीदते हैं उसी तरह आप लोहे का दान भी कर सकते हैं उस दिन। तो लोहे का दान करने से आपका दुर्भाग्य जो होता है ना वो चला जाता है और आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न रहती है, ठीक है। तो लोहे का दान करना मत भूलिए। अगला है जो कि अंतिम है और बहुत खास है। देखिए, माँ लक्ष्मी को प्रिय है वो वस्तु जिस वस्तु का दान करना चाहिए। धनतेरस के दिन कई घरों में नई झाड़ू लाकर उसकी पूजा की जाती है, हम लोग खुद भी करते हैं। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा करीबी है जो लगातार पैसों की तंगी से जूझ रहा है और उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है तो उस दिन आप एक झाड़ू खरीदकर उसे जरूर दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर तो प्रसन्न होगी, साथ में आपके मन की अच्छी भावना को देखकर आपके जो भी करीबी को भी वो संपन्न बनाएगी, आपको तो वो संपन्न जरूर बनाएगी। तो इन पांच रिचुअल्स, मैं इनको रिचुअल्स ही बोलूंगी, अगर आप धनतेरस के दिन करते हैं तो आप लोगों को इसका शुभ फल जरूर मिलता है। तो जरूर कीजिएगा इन पांच चीजों का दान और धनतेरस को बहुत अच्छे से आप लोग सेलिब्रेट कीजिए। मेरी सारी विशेष आपके साथ है, आप लोगों की सारी विशेष मेरे साथ है। तो यूं ही मेरे साथ बने रहिएगा, आगे इस तरह के वीडियोस और लाते रहूंगी आप लोगों के लिए।
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।